हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के बारे में है। ये मैं देख रही हूँ कि आजकल गलत गलत तरह की भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा आदत में आ रही हैं। लोग कहीं से कुछ भी सुन के पढ़ के अपनी दिनचर्या में उसको लागू कर रहे हैं, जबकि उसका कई बार गलत असर हो रहा है। उदाहरण के तौर पे ग्रीन टी को लेकर इतनी मान्यताएं हो गई हैं कि जैसे ग्रीन टी के कारण ही वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रीन टी सही बात है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देता है, परंतु वो चाय भी आपके खाने से आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देती, और अधिक ग्रीन टी लेने से हड्डियों में से कैल्शियम निकल कर आता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ग्रीन टी भी लेनी है तो दिन में 3 से 4 बार ही लीजिए और 3 से 4 छोटे कप ही लीजिए। इससे ज़्यादा ग्रीन टी की आवश्यकता नहीं होती। एक और बहुत बड़ी भ्रांति है और वो है रात को दही ना खाना। देखिए, अगर किसी को दूध पचता नहीं है या दूध से एलर्जी है या दूध की बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है तो शरीर का एक एडवर्स रिएक्शन आएगा। परंतु अगर आपको दूध और दही पचता है तो दरअसल इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपने दही रात को भी खाया, क्योंकि दही जो है हमारी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा है, खाना पचाने के लिए बहुत अच्छा है, और तो और प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत होता है, आपको बहुत फायदे पहुंचाता है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये मानते हैं कि दही उनको सूट नहीं करता, जब वो शादियों पे जाते हैं या मान लीजिए कहीं पार्टी में गए तो वहाँ पर दही भल्ला या फलों वाला रायता वो तो बड़े अच्छे से खा लेंगे, परंतु ये करेंगे कि जब घर पे हम कहेंगे आप ज़रूर दही खाइए, उससे आपके पेट आपका पेट ठीक रहेगा, आपकी हाइपर एसिडिटी कम रहेगी, तो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अगली बार मैं कुछ और बातें लेके आपके साथ ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू, टेक केयर।